पुलिस ने उन्नाव रेप पीड़िता की कार की ट्रक से हुई टक्कर को दुर्घटना करार दिया है। साथ ही पुलिस ने कहा है कि ट्रक के ड्राइवर और उसके मालिक और क्लीनर को कस्टडी में ले लिया गया है। लखनऊ जोन के एडीजी राजीव कृष्ण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों वाहनों के बीच टक्कर एक हादसा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। इस घटना की FIR रायबरेली में लिखी जा रही है। यूपी पुलिस ने बताया कि हादसे में मृत पीड़िता की चाची पीड़िता के साथ रेप के मामले में चल रही CBI जांच में गवाह थी। साथ ही ट्रक के नंबर प्लेट पर काली पुते होने के सवाल पर पुलिस ने ऐसा कहा कि फाइनेंसर से छुपाने के लिए ऐसा किया गया था। पुलिस ने कहा कि गाड़ी का नंबर मिटाने पर ट्रक मालिक का कहना है कि किस्तों पर गाड़ी ली थी और किस्तें नहीं चुका पा रहा था, इसलिए नंबर छुपा दिया। आपको बता दें कि ट्रक बांदा से रायबरेली मोरंग गिराने गया। India 24/7 लाइव टीवी के लिए उन्नाव से श्रवण कुमार यादव की रिपोर्ट। मतलब कि साजिश है, साजिश के जरिए ये करवाया गया। इधर की तरफ से आ रहा था, रायबरेली की तरफ, शिफ्ट डिजायर जो है लालगंज की तरफ से आ रहा है। ट्रक जो है वो होटल के सामने लहराता हुआ, पूरी रोड पे लहराता हुआ आया और ये यही होटल के आगे जो है सामने टक्कर। जो ट्रक था वो सीज हो गया है, उसमें शायद फतेहपुर का रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो ड्राइवर है वो भी पकड़ गया है, लेकिन अभी इनकी तरफ से FIR कोई नहीं लिखाई गई है। तो मैंने अभी भी अनुरोध किया इनसे कि आप जल्दी से जल्दी अपनी FIR लिखाइए, जिससे कि आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा सके। कल एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें एक रोड एक्सीडेंट में उन्नाव में जो पिछले वर्ष घटना हुई थी, जो बलात्कार की पीड़िता थी, वो कल अपने परिवार वालों के साथ उन्नाव से रायबरेली जा रही थी और उस कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हम लोगों ने ट्रक वालों को भी पकड़ लिया है, उनके ओनर, उनके क्लीनर, उनके ड्राइवर सभी को पकड़ लिया है। प्रथम दृष्टया ये एक एक्सीडेंट का मामला है और बहुत ही बारीकी से पुलिस इस बात की विवेचना कर रही है। आज पोस्टमार्टम हो रहा है, जिसे हम वीडियोग्राफी भी करा रहे हैं, एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स उसको पूरा इन्वेस्टिगेट पोस्टमार्टम कर रहा है और साथ ही साथ विवेचना में हमारे पुलिस अधीक्षक और एक टीम हमने गठित किया है, जिसकी पूरी बारीकी से विवेचना की जा रही है। फिर भी हमने देखा कि सुरक्षा में क्या कमी आई। मैं आपको ये बता दूं कि उस पीड़िता के परिवार में हमने 10 पुलिसकर्मी को सुरक्षा के लिए लगाया है।